असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, बोले मिट्टी में मिला दिया गया हत्यारा। अखिलेश यादव बोले यूपी में हो रहे फेक एनकाउंटर। वहीं ओवैसी ने कहा गोली से इंसाफ करेंगे तो कोर्ट बंद कर दो, मायावती की मांग उच्च स्तरीय जांच हो। अतीक से आधी रात पूछताछ, आंखें दिखाता रहा अतीक अहमद, हां हूं मैं, जवाब देता रहा माफिया। धूमनगंज थाने में दोनों भाइयों का हुआ आमना सामना। झांसी में देर रात असद का पोस्टमार्टम, कराई गई वीडियोग्राफी, पुलिस की भारी बंदोबस्त। असद के एनकाउंटर के बाद बरेली में अशरफ के गुर्गों में दहशत, सद्दाम की तलाश में जुटी एसटीएफ। जल थल और नभ से 24 घंटे होगी राम मंदिर की निगरानी, राष्ट्रपति भवन की तरह अभेद होगी सुरक्षा। आज 7 घंटे बिजली रहेगी गुल, सहारनपुर में 20 से ज्यादा कॉलोनियों के करीब 85,000 लोगों की होगी परेशानी। G20 के प्रति जागरूकता अभियान, क्विज प्रतियोगिता में 14 लाख बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना के साथ मौसमी बीमारियों की मार, प्रदेश में कोरोना बरपा रहा अपना कहर, डॉक्टर भी हो रहे संक्रमित। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।